नई संसद का नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस हो। निजीकरण के ऊपर रोक होना चाहिए। अगर रुकावट नहीं लगती तो इसका परिणाम चुनाव में बहुत भयंकर होगा। बहुजन जितने जातिवादी हैं उतना कोई दूसरा तो है ही नहीं। चमार संगठन अलग, खटीक अलग, पासी वाल्मीकि धानुक अलग, रायगढ़ अलग, सब उसी में बटे पड़े हुए हैं, जिसके वजह से आज हम कमज़ोर पड़ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित आवाज और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी ग्रीन। अभी हम मौजूद हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, जहां पर बहुजन संसद चल रहा है। जैसे कि आप पोस्टर देख रहे हैं, बहुजनों का हक, अधिकार और आत्मसम्मान के लिए बहुजन संसद 2023 का कार्यक्रम चल रहा है। यहां साफ तौर पर कुछ चर्चा में जो विषय हैं वो लिखे गए हैं, जैसे कि पहले ही लिखा गया है नई संसद भवन का नाम डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर रखा जाए। उसके साथ ही नंबरिंग के साथ में 1, 2, 3 करके अलग अलग मांगे लिखी गई है, जैसे कि पहले पे लिखा हुआ है आरक्षण, दूसरे पे कुछ लिखा हुआ है, तीसरे पे, ऐसे ही करके कई सारे मांगे लिखी गई हैं। यहाँ पे मौजूद लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इनकी मांगे हैं और असल मुद्दा क्या है, क्या मांगे हैं और किस बात के लिए ये संसद चल रहा है। उनसे आइए बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उदित राज, इनसे बात करेंगे और जानेंगे पूरा मामला। बहुजन समाज अर्थात SC ST OBC के प्रबुद्ध लोग यहाँ आए हैं, कर्मचारी अधिकारी, और ये परिसंघ ये सामाजिक संगठन है कर्मचारियों अधिकारियों का, नॉन पॉलिटिकल है। और हम ने आज विचार किया पूरे 4-5 घंटे के मंथन पर कि नई संसद का नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस हो। निजीकरण के ऊपर रोक होना चाहिए, खाली पदों के ऊपर भर्ती हो, निजी क्षेत्र में आरक्षण हो, उच्च न्यायपालिका में बहुजनों की अर्थात SC ST OBC की भागीदारी नहीं है, उसमें भागीदारी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और शिक्षा का जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, शिक्षा जितनी महंगी होती जा रही है, आम गरीब SC ST OBC उस शिक्षा को प्राप्त करने में सब उसकी हैसियत नहीं है, उसकी माली इनकम इजाज़त नहीं देती है। और इसके बाद सभी लोग आज एक संदेश के साथ जाएंगे, पूरे देश में बहुजन संसद करेंगे, उसके बाद फिर नवंबर दिसंबर में एक विशाल रैली करी जाएगी, जिस रैली में मांग किया जाएगा कि जो सरकार के जो पब्लिक से बने हुए डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे 400 रेलवे का निजीकरण हो, पोर्ट एयरपोर्ट की बिक्री हो या बैंकों की बिक्री हो, और जिस तरह से कोल का भी निजीकरण हो रहा है, इस पे रुकावट लगे। और अगर रुकावट नहीं लगती तो इसका परिणाम चुनाव में बहुत भयंकर होगा। पूरा देश का दलित SC ST समाज खास तौर से, विशेष तौर से अपील तो मैं औरों से भी करता हूँ, उसका परिणाम देखने को चुनाव में मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ था कि EVM हटाओ, EVM के भी कहीं ना कहीं खिलाफ है, लेकिन सरकार उसे डिजिटलाइजेशन का फ़ायदा बताती है कि डिजिटल हो रहा है इंडिया। डिजिटल हो रहा है इंडिया तो उसका डिजिटल भी हो रहा तो असमानता बढ़ रही है। डिजिटलाइजेशन का फ़ायदा चंद पूंजीपति उठा रहे हैं, और इस देश के अंदर जितना तेज़ी से अरबपति बढ़े हैं उतना दुनिया में किसी के देश में नहीं हुए हैं। लेकिन GDP में इस देश के पूंजीपतियों का योगदान 60% है, जबकि अन्य देशों में जो बहुत डेवलप्ड देश हैं, ज़्यादा 23 या 24% हुआ है। तो इस डिजिटलाइजेशन से क्या फ़ायदा, जिससे गरीब गरीब होता जाए, आम आदमी लुटता चला जाए और बड़े पूंजीपति बढ़ते जाए, तो डिजिटलाइजेशन का सदुपयोग होना चाहिए, सही उपयोग होना चाहिए। संसद का नाम अंबेडकर के नाम से ही क्यों? डॉक्टर अंबेडकर इस एक तो लीगल रिमुनरी
कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे वो, उसके अलावा भी प्रतीक हैं वो, चाहे नारी मुक्ति की बात है या बहुजन समाज के लिए जो जो उनका योगदान है, यानी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पूरे संसद में वही रहे और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तो रहे ही, लॉ मिनिस्टर रहे, इसलिए उनका नाम होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह अगर कुछ लोग आ जाएं चुनिंदा जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और वो कहें कि संसद का नाम भगवान के नाम से रखिए। देखिए, कोशिश ये कर तो लेते, लेकिन हमारी परिसंघ की जो मुहिम थी जिसके वजह से रुक गए, वरना सुनने में तो आया था अटल पार्लियामेंट हाउस, दीनदयाल उपाध्याय पार्लियामेंट हाउस करना चाहते थे, लेकिन तेलंगाना की विधानसभा ने प्रस्ताव पास करके भेजा मोदी सरकार को कि नई संसद का नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए, तो उसके वजह से अब एक कोई दूसरा नाम नहीं रख पाएंगे क्योंकि हमने बाबा साहब का नाम बढ़ा दिया है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि बहुजनों में कहीं ना कहीं अभी भी कमी है ये समझ पाने की? बहुजन जितने जातिवादी हैं उतना कोई दूसरा तो है ही नहीं। हाँ। भले अपने ऊपर अत्याचार होता है तो सवर्णों को दोषी, दो सवर्णों पर दोष डालते हैं और सवर्ण दोषी भी है, लेकिन आपस के अंदर कितना उपजातिवाद है। बहुजनों में, खासकर दलितों में मैंने देखा कि हर एक जाति अपने से एक जाति को चिन्हित करके रखती है कि ये जाति से मेरी जाति ऊपर है। ये मनवाद नहीं है, सबसे ज़्यादा मनवाद है। चमार संगठन अलग, खटीक अलग, पासी वाल्मीकि धानुक अलग, रायगर अलग, सब उसी में बटे पड़े हुए हैं, जिसके वजह से आज हम कमज़ोर पड़ गए। तो सर, जब ये सब बटे हुए हैं तो इकट्ठा कैसे होंगे? आज उसी इकट्ठा होने के लिए ही हमने बात को कही है। मेरा ख्याल है कि लंबा भाषण था तो न सुने होंगे, लेकिन हमने ये कहा कि लाभ के लिए तो कम से कम इकट्ठा हो, लेकिन लाभ के मामले में भी देखेंगे कि जाति, नेता की जाति देखेंगे, लाभ नहीं देखेंगे। तो बहुजनों को समझना पड़ेगा, क्योंकि समण इस देश में 100% का नेता होता है। मैं अपने बिरादरी का ही नेता हो सकता हूँ, यादव अपने यादों का ही नेता होता है, और कुर्मी कुर्मी का नेता होता है, दूसरी जातियाँ नहीं मानती। और दुर्भाग्य से कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को ही यह अवसर है इस देश में कि 100% आबादी का वो नेता होता है, हम लोग नहीं हो पाते। तो हमारे अंदर उपजातिवाद नहीं है, भयंकर जातिवाद है। आप अभी डॉक्टर उदित राज को सुन रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने बताया कि जो नई संसद भवन बनी है उसका नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखा जाना चाहिए। ये लोग अंबेडकरवादी हैं और डॉक्टर अंबेडकर के सोचों पर चलने वाले लोग हैं। और भी कई मांगे हैं, जैसे कि ईवीएम हटाओ, ईवीएम से फ्रॉड होता है, और मोदी जी इलेक्ट्रॉनिक सारी चीज़ें डिजिटल करना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि ईवीएम हटाना चाहिए क्योंकि ईवीएम मशीन से फ्रॉड होता जा रहा है। और भी इसके साथ और भी कई मांगे हैं, निजीकरण पर रोक लगनी चाहिए, उच्च न्यायपालिका में आरक्षण मिलनी चाहिए, प्रमोशन में आरक्षण, निजीकरण क्षेत्र का आरक्षण, मंडल कमीशन का भी सभी सिफारिशों में लागू कराएं, बैकलॉग पदों पर बहाली चाहिए, और इसके साथ भी कुल 11 मांगे रखी गई हैं जो कि तमाम चर्चा का विषय बना हुआ था। कैमरामैन बॉबी के साथ मैं ब्यूटी